ସମୟ ଥିଲା ସମାଜ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ନରମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଉରକେଲାର ଜଣେ କିନ୍ନର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରେ ଚାକିରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। प्रिंसेस ना आउ चेहरा जेतिके सुंदर तांको काम मध्ये सेतिके सुंदर। प्रिंसेस जणे किन्नर राउरकेला सहरर बासिंदा निजर अध्ययन ओ अध व्यवसाय पई आज से समाज रे किन्नर मानक पई उदाहरण पलटिछंती। समाज किन्नर मानंकु भिन्न दृष्टि रे देखुतबा बेले समाज रे दृष्टि को बदलाई पारिछंती किन्नर प्रिंसेस। प्रिंसेस नीट रे स्पॉन्सर्ड रिसर्च इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी विभाग रे काम करछती। प्रिंसेस तांको इच्छा शक्ति एवं प्रतिभा बल रे सब क्षेत्र रे सफल होई परबे बोली एनआईटी रो विभागीय अधिकारी माने कहिछंती। सो रिस्पांसिबिलिटी टू अकोमोडेट दिस टाइप ऑफ पीपल ओवर हियर एंड एक्चुअली व्हाट आई फील दैट दे आर डिप्राइव्ड समवेयर इन द सोसाइटी। Everywhere they do not get this type of opportunity to work with together at different places. So we are the premium educational institute, and when these people approaches us for the accommodation over here, find out a suitable opportunities, we could not provide her a opportunity for a permanent job over here, but we have a little bit scope on a temporary basis we can accommodate them. So there we tried to accommodate her, and I feel that we are the people, right, who can help them because of their social recognition. Initially, I was afraid of when I started this activity. I thought of that she might be facing some problem in the institute because we don't have the washrooms equipped for them. That was the only fear which I am afraid of, and the afraid of the other parts also, how she will be accommodated within the institute. Later on I feel that there is no issue. Our administration is quite supportive on this activity, and she is doing well in our institute. If I got more opportunities or more people approaches us on this category especially, we will try to accommodate, but not in the permanent role, because permanent role is different, it's governed by the government. This temporary role we can assign where we have the limited scope. Nahi, ek cheez thoda clear karna hai, mera hath nahi hai isme, shayad administration ka support hai, aur ye thoda clear hona chahiye that NIT has not taken directly into the system. It is not a permanent employment, that is to be understood. Inko hum log इंक्लूड करने के लिए, थर्ड जेंडर को वर्क स्पेस में इंक्लूड करने के लिए प्लान किए थे, तब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात किए थे एंड वी कॉन्टेक्टेड अप्रोप्रिएट प्लेसेस, मे बी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। सो दैट टाइम वी फाउंड ब्लेस एंड ब्लिस फाउंडेशन फ्रॉम एनआईटी राउरकेला, स्टूडेंट इनिशिएटिव, मिस्टर अक्रम अंसारी हु इज़ द फाउंडर, ही वॉज एन अलुमनाई ऑफ एनआईटी राउरकेला, वो हमको रेफ़र किए थे। हमारा जैसे एक ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर, उनको वर्क भी अभी चाहिए, वो आफ्टर कोविड शी इज़ नॉट हैविंग जॉब, तब हम लोग टेम्प्रोरी पोजीशन में उनको लाया है। सो दैट वाज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वी वांटेड टू इंक्लूड एंड मेक लाइवलीहुड फॉर ऑल पीपल इन द सोसाइटी, दैट इज़ अ मेजर थिंग। वो इसके लिए उनको अपॉर्चुनिटी दिया है प्योरली ऑन टेम्प्रोरी बेसिस। प्रॉबली एनआईटी राउरकेला फर्स्ट होगा ये जो इनिशिएटिव, और हमारा ऑफिस थोड़ा सा उसके लिए प्राइड लेते हैं, मतलब क्योंकि हमारा ऑफिस में वी हैव इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल स्टाफ्स एंड देन नाउ वन थर्ड जेंडर। ये सारे लोग एक्चुअली मिलके काम कर रहे हैं, और हमारा वर्क स्ट्रक्चर जैसे है उनका काम बोथ मेल एंड फीमेल के साथ ही होगा। मतलब फर्स्ट स्टेप वाला काम एक मेल स्टाफ के साथ और नेक्स्ट स्टेप वाला काम फीमेल स्टाफ के साथ ही होगा। सो शायद मुझे जितना भी देख रहे हैं एज एन ऑफिसर,
डीलिंग विद ऑल द स्टाफ्स, उनका जो बिहेवियर और हमारा स्टाफ्स का जो कोहेशन, उनका साथ जो काम हो रहा है वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है, कर सकते हैं हम. एक्चुअली उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी मना नहीं कर रहे हैं. थर्ड जेंडर का इंक्लूशन सब डिपार्टमेंट्स में है, मतलब पुलिस में है, सीबीआई में है, और सब सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोग है ऑलरेडी, थर्ड जेंडर लोग काम कर रहे हैं पुलिस में. सो यहाँ पर भी लोग एग्ज़ाम दे के यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होगा हम लोग और थोड़ा, क्योंकि अभी प्रिंसेस है वो भी नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम. सेपटे प्रिंसेस कहिछंती आज सफलतार पहाचरे पहुंचबा परे प्रेरणा हेउछंती तांकर पिला बेलरे तांको बापांको कहिथिबा कथाटी से सबुबेले मने रखी से पाठ पढ़ीतिले जहाँ फल से आज स्वावलंबी हो पारिछंती करते हैं और सेक्स वर्क करते हैं. सो उनको एक्चुअली में उस तरह का अपॉर्चुनिटी दिया नहीं जाता, क्योंकि अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, इक्वलिटी नहीं देंगे, तो वो उनके पास चॉइसेस नहीं है. इफ़ दे आर नॉट हैविंग एनी चॉइसेस देन व्हाट दे विल डू. जहाँ तक बात हमारा है, ये हमारा विल पावर था कि हमें बचपन से ही सिखाया गया कि काम करना है. एजुकेशन हासिल हमारे फादर ने हमें बहुत फोर्सफुली कराया था कि तुमको जो भी करना है लाइफ में तुम करो, लेकिन एजुकेशन शुड बी मस्ट. तुम एजुकेशन हासिल कर लो, उसके बाद में तुमको जो भी करना है अपने लाइफ के साथ तुम कर सकते हो. सो आई जस्ट टेकन माई एजुकेशन एंड फाउंड दैट विल पावर. आई एम कंटिन्यू डूइंग द वर्क. I have worked in many different sectors, like in the government sectors, like in Sathi organizations. Now I am working in NIT Srix department. So it's my goodwill, you can say, or God blessed that I got different places hired, and I'm continuing the work. And right now I am in this place. This is the most amazing and wonderful place I have gotten till date. The most desirable people are here. They give so much warm respect to me and help me if I get any kind of with my works. They just get to grab me and tell me that aise nahi princess, aise karna. So that's called support, without saying that you are a trans or matlab wo bolte na bhedbhav, yahan aisa kuch bhi nahi hai. This is the most perfect office I have ever get. So I will continue it for as much as long I can do it. या सहित NIT राउरकेला जणे किनरंकु एभळी सुजोग देथिबारु स्थानीय अंचल रे प्रशंसा रो सु छुटिचि. राउरकेलारु चंदन सामन सिंघार को रिपोर्ट, रिपोर्टर स्टुडियो.